हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी आसान और टिफिन रेसिपी जिसको बोलते हैं रवा अप्पे। जी हाँ, ये रवा सूजी से बनती है। ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाएगी और आप नाश्ते में खा सकते हो, आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हो। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये। देखिए, इस तरह से ये मिनी अप्पे भी बन जाते हैं जिसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हो, टिफिन बॉक्स में आप दे सकते हो, आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, नाश्ते में खा सकते हो। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू क्रिएटिव कुकिंग जोन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम एक कप रवा डालेंगे, मतलब सूजी डालेंगे, उसके अंदर आधा कप दही डाल देंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे हम। बहुत ज्यादा पानी अभी इसमें नहीं डालेंगे फिलहाल, बस थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और इसे फर्मेंट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज्यादा वक्त हो तो आप इसको आधे घंटे के लिए फर्मेंट के लिए रख सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो कम से कम मिनिमम आप इसको 10 मिनट के लिए आप साइड में रख दीजिए। उससे जो ये सूजी और दही है आपस में मिलेंगे तो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, सूजी किस तरह से फूल गई है दही के साथ में। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बैटर को हमें बहुत ज्यादा पतला फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें बाकी के वेजेस डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे अनियन। हम 4 बड़े चम्मच फाइनली चॉप्ड अनियन डालेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बड़ी साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 ग्रेटेड की हुई गाजर। आधा छोटा चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे। नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और खाने का जो सोडा होता है, सोडा खार बोलते हैं, सोडा पाउडर बोलते हैं, हम वो डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। सोडा डालने से, सोडा है, दही है, तो उस वजह से हमारे जो अप्पे बनेंगे, रवा अप्पे बनेंगे, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और फुले फुले से बनेंगे। ये देखिए, इतनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अभी इसमें जाएगा बारीक कटी हुई फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया डालेंगे हम। मिक्स कर देंगे और ये हमारा रवा अप्पे का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। अभी हम एक तवा लेंगे। मैं तवे के ऊपर इसके रखती हूँ, मैं डायरेक्टली फ्लेम पे नहीं रखती हूँ, तो मैंने तवे के ऊपर इसको रखा है, रवे अप्पे का पैन। पैन को अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर, 1-1 स्पून जितना हम बैटर इसमें डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल की जगह पे आपको बटर यूज करना है तो आप बटर भी यूज कर सकते हो। ये देखिए, और ये रवे अप्पे का पैन जो होता है ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। सभी में हम इक्वली 1 टेबल स्पून जितना बैटर हम डाल देंगे। इसे ढक के 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे हम छोड़ेंगे। एक साइड से बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए, ये नीचे से हो गया है। अभी इसे पलटा देंगे ताकि दूसरी साइड से भी, ऊपर की साइड से वहां से भी पक जाए। देखिए, फ्लिप करके इसे भी हम इस तरह से सारे अप्पे को हम फ्लिप कर देंगे ताकि ऊपर की भी साइड से अच्छे से पक जाए। ये वैसे बिना ऑयल या बटर के भी पक जाता है ये। इसको हम दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए पका देंगे। ये देखिए, ये दोनों साइड से बहुत ही अच्छा कलर आया, बहुत ही अच्छे से पक गया है ये, और ये बहुत आसानी से निकल भी जाता है। ये देखिए, हमारे रवे अप्पे जो बनके रेडी हो गए हैं। इसको आप केचप के साथ में, आप इसको हरी चटनी के साथ में, आप इसको जैसा चाहे इसके साथ में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही एक बेस्ट आइडिया है बच्चों को टिफिन में देने के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए, शाम के स्नैक्स के लिए, और काफी हेल्दी है। इसमें रवा है, सूजी है और वेजीज है। वेजीज आपको जो पसंद है, आप अपनी मन पसंद की वेजीज इसमें और ऐड कर सकते हो। हल्के फुल्के मसाले में बहुत ही अच्छे डिलीशियस रवे अप्पे ये बन जाता है। ये देखिए, इस तरह से टिफिन के अंदर में बच्चों को भी आप रख के दे सकते हैं। बच्चों के लिए आप चाहे तो ऐसे छोटे ये मिनी रवे अप्पे बना सकते हैं। ये बच्चों के लिए मैंने थोड़े मिनी साइज के बनाए, तो लोगों को देखने में अच्छे लगते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वाली रेसिपी स्पेशली आप उन मॉम्स को सेंड कीजिएगा जिनके बच्चे खाने में सताते हैं, जो वेजेस खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये रेसिपी भी उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो इस तरह से वो अपने बच्चों को वेजेस भी खिला सकेंगी और उनको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। तो ये रेसिपी किसी के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो आप प्लीज उन्हें शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे न्यू हेल्पफुल और क्रिएटिव रेसिपीज के साथ में। तब तक के आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।